अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है आप सब लोग का। होप सो आप सब लोग खैर करिए से होंगे। मैं बिल्कुल ठीक हूँ शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अभी टाइम 7:25 हो रहे हैं, आज 22 अगस्त है। जैसे कि आपको थंबनेल देख के पता चल ही गया होगा कि रिजल्ट आ रहा है आज हमारा। 10 बजे रिजल्ट आना, सारे परेशान बैठे हैं, सारे दोस्तों की ये सूरत हालात है, स्टेटस लगा रहे हैं सैड सैड। अल्लाह खैर करे, अल्लाह ही है हम पास हो। अच्छा सही बात है, बहुत ज्यादा अभी घबराहट हो रही है, जैसे जैसे टाइम गुजर रहा है ना डर सा लग रहा है। आप लोगों ने भी दुआ करनी है कि हम सब लोग ना पास हो जाए। आज सबके स्कूल लग गए, हमारा आज रिजल्ट है तो हमने गए, इसका भी स्कूल लगा हुआ है वो भी नहीं आज गया। नहीं मौसम देख ऐसे स्कूलों वाली फीलिंग आ रही है। सही बात है, अगर ऐसा वैसा मसला हो गया ना तो यकीन मानो स्कूल में किसी और की बात होनी नहीं है कि कौन फेल हुआ है, कौन पास हुआ है, कौन किसकी सप्लियां आई हैं। ऐसी वैसी बात किसी की नहीं होनी, बस मेरे पे बात आनी है। ये वीडियो बनाता था पहले, इसका पूछो इसका क्या हुआ है, मुझे पता तो चल गया, मुझसे सबने पूछने। तो वीडियो बनाने का मकसद बस यही है कि जो भी पूछेगा मैं कहूंगा कि वीडियो मैंने अपलोड कर दी यूट्यूब पे, आपको इतना ही है ना, तो आप यूट्यूब पे जाके देख लो कैसा था मेरा आइडिया, अच्छा था ना। अभी टाइम 9:05 हो रहे हैं तो अभी मुझे दोस्त ने फ़ोन किया, वो कहता है कि आ जाओ कहीं बाहर जाके रिजल्ट देखते हैं। उनकी तरफ जा रहे हैं, सारे दोस्त ने इकट्ठे बैठ के देखेंगे कि रिजल्ट किसका कितना अच्छा है। यार मैंने इतना सोचा नहीं था कि मेरा इतना बुरा रिजल्ट आएगा। आज सही बात है, मैं अंदर से बहुत ज़्यादा सैड, खाने में भी शर्म आ रही है। मैंने पास हो जाना था, मैं मतलब कि पास था अगर मैं पेपर कोड सही लगाता, तकरीबन 8 किताबें हैं और फेल हो गए हूँ बस। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। यार भला आप बताओ, तर्जमतुल कुरान में कोई फेल हो सकता है, इतनी आसान तरीन किताब। घर वाले यही कह रहे हैं कि आप ना पढ़ते नहीं हो, हालांकि वो सबसे अच्छा मेरा पेपर हुआ था। पेपर कोड ना लगाने की वजह से मेरे MCQs के जो नंबर है ना वो सारे ही उन्होंने कट कर दिए। सर ने भी मुझे बताया था कि आपने पेपर कोड नहीं लगाया तो हो सकता है कि आपके ना MCQs के नंबर वो ऐड ना करें। मैंने वीडियो बनानी थी उधर, जैसे दोस्त कर रहे थे ना सारे, किसी की 8 सप्लियाँ आई हैं, किसी की 4 आई हैं। मैंने इसलिए नहीं बनाई क्योंकि सारे परेशान थे, तो उन्होंने कहना था कि इसे अभी भी व्लॉग की पड़ी हुई है, तो इसलिए मैंने वीडियो नहीं बनाई। पेपर कोड की गलती की वजह से देख लो कितना ज़्यादा नुकसान हो गया। मैं बताया कौन कौन से सब्जेक्ट में पास हुआ हूँ, उर्दू, इंग्लिश, मुतालिया, इस्लामियात लाजमी और एजुकेशन, ये 5 सब्जेक्ट में मैं पास हुआ हूँ। बाकी मुझे लग रहा था कि मैं पास हो जाऊंगा लेकिन मेरी सोच गलत थी। कि आज इस वीडियो में मुझे कुछ दिखाना है क्या, बोलने नहीं हो रहा आज, मेरे जहन में कोई बात ही नहीं आ रही। ये देखो चार्जर मैं साथ लेकर आया हूँ, ये मोबाइल को चार्जर लगाना है, अभी इसकी चार्जर बिल्कुल डेड है। घर भी मैंने बता दिया तो वो कहते हैं कि आपके साथ ऐसा ही होना था। अभी हमने सुबह स्कूल जाना है, स्कूल जाके पता चलेगा कि सर के हमारे ऊपर क्या रिएक्शन है, उनके भी रिएक्शन हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा हैवी किस्म के होने वाले हैं। बाकी ये थी मेरी आज की वीडियो, लाइक एंड सब्सक्राइब करते जाना ताकि स्कूल में मैं ये तो बता सकूँ ना कि छुट्टियों में मैंने और तो कुछ नहीं, सब्सक्राइबर तो गेन किए हैं ना। तो आप लोग इस वीडियो को लाइक एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते जाना, बाकी जो होना था वो हो गया, छोड़ते हैं इस किस्से कहानी को ख़त्म करते हैं। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।